आज मैं आपसे सेक्सुअल ओसीडी के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सेक्स के बारे में विचार आना। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ मनोरुग्ण जो है उनको और व्यसनी जो लोग हैं शराब के आदि, उनको हम भर्ती करते हैं। इस सारों के साथ में भर्ती करते हैं, इस सारों के अलावा भर्ती करते हैं, उनको अच्छा करते हैं। मेरे पास में ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं कि जिनको सेक्सुअल ओसीडी है, और इसका मतलब यह है कि उनको रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं, बार 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 विचार आते रहते हैं, और वो बार 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 विचार सेक्स के संबंधित आते रहते हैं। अब ये कौन से विचार है? तो एक तरह का जो बहुत कॉमन है वो है मास्टरबेशन की ओसीडी, मतलब मास्टरबेशन हस्तमैथुन करने के उसको बार 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 विचार आते रहते हैं, और एक सरी के विचार आते हैं उसका, इतना वो विचार आते हैं कि उसको सिर्फ आखिरी मास्टरबेशन करना ही पड़ता है। मास्टरबेशन में कोई गलत नहीं है, मगर उसको लगता है कि मैंने मास्टरबेशन इतने बार किया तो अभी बहुत गिल्टी लगता है उसको, उसको लगता है कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, और वो विचार बार बार उसको आता है, वो एक है। दूसरा एक विचार ये है कि भाई मेरा शिश्न छोटा है, ऐसा उसको लगता है। बार 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 वो विचार आता है कि मेरा शिश्न छोटा है, मेरा शिश्न छोटा है, मैं आदमी भी नहीं हूँ, ऐसा उसको बार बार विचार आता है। तो एक वो एक ओसीडी होता है। फिर तीसरा जो है कि कोई भी व्यक्ति दिखता है उसको, तो उसके बॉडी पार्ट्स की तरफ बार 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 उसकी नज़र जाती है। समझो लेडी तो उसके ब्रेस्ट की तरफ उसकी नज़र जाएंगी, बार बार वो ब्रेस्ट की तरफ देखेगा और उसको बहुत अकवर्ड लगेगा कि सामने वाला क्या सोचता होगा या सामने वाली व्यक्ति क्या सोचती होंगी, या आदमी भी रहा तो भी उसका ब्रेस्ट की तरफ मतलब सीने की तरफ उसका ख्याल बार बार जाएगा, और वो जितना रुकने की कोशिश करेगा उतना उसका ख्याल जाएगा, फिर लोगों को टालने लगता है, या फिर उसका ख्याल बिलो बेस्ट जाएगा, बिलो वेस्ट मतलब उसके शिश्न के तरफ, वो एरिया के तरफ, वेस्ट के तरफ उसका ख्याल बार 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 जाएगा, तो उसको बहुत डिस्टर्बिंग रहता है वो, कैसा ख्याल नहीं आना चाहिए, मगर वो बार 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 ख्याल आता है। फिर तीसरा ये है, मतलब नेक्स्ट ये है कि उसको बार 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 विचार आते हैं होमोसेक्सुअलिटी के, कि भाई मैं किसी के साथ में मतलब समलिंगी संभोग करूँ, हालांकि वो समलिंगी संभोग नहीं, मतलब मान लो उसको करना नहीं है, मगर उसको बार बार विचार आएंगे कि मैंने इसके साथ में करना चाहिए, उसके साथ में जो भी दिखता है उसको मालूम है कि विचार है, वो टालने की कोशिश करता है मगर होते नहीं, टालते नहीं है। फिर नेक्स्ट है उसको अपने एकदम क्लोज रिलेटिव के बारे में बात, मतलब उनके साथ में सेक्स करने की विचार आना, जैसे कि माँ के साथ में सेक्स करने की विचार आना, बहन के साथ में सेक्स करने की विचार आना, एकदम जो क्लोज रिलेटिव उनके साथ में सेक्स, उसको मालूम है कि भाई ये बराबर नहीं है, ये विचार ठीक नहीं है, उसको ये मालूम है कि मैं सेक्स करने वाला तो हूँ नहीं, और तभी भी वो उसके मन में बार 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 विचार आएंगे और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये विचार आते क्यों है? तो कुछ तो भी बचपन में हुआ है, और बचपन में कुछ तो भी हुआ है, कुछ तो भी घटना हुई है, एक तो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है उसको, सेक्सुअली अब्यूज़ है, और सेक्सुअली अब्यूज़ होने के लिए मतलब सेक्स उसके साथ में कभी किसने सेक्स किया होगा, होमोसेक्सुअल संबंध उसके हाथ में रखे होंगे लड़के के साथ में, या उसने किसका सेक्स करते हुए देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइमल सीन, माँ बाप का सेक्स करते हुए देखना उसको बोलते हैं प्राइमल सीन, वो देखा होगा, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी घटना सेक्स के विषय में हो जाती है, या कहीं लैंगिक अत्याचार होता हुआ देखा होगा, या कोई पढ़ी होंगी न्यूज़, या पता नहीं कुछ तो भी बचपन में हुआ जिसका असर उसके दिमाग में हो गया, और ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ऐसा उसके दिमाग में बैठता है और फिर विचार आना चालू हो जाता है और वो ओसीडी में टर्न होता है। ये बेसिकली ये लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब ये डिसऑर्डर होने के पहले उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी रहती है, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी मतलब ऐसी पर्सनैलिटी होती है, उनका एक स्वभाव ऐसा होता है कि वो बार 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 वही करता जाएगा, ऐसे मतलब वो व्यक्ति विशेष ऐसा होता है, व्यक्तिमत्व विशेष ऐसा होता है कि वो उसको ठीक ठाक करने की इच्छा होना, उसके हैबिट साफ सुथरा रखने की हैबिट, बार बार पूछने की हैबिट, ऐसे ओसीडी के लक्षण वो पर्सनैलिटी में रहते पहले से, और फिर कुछ तो भी हो जाता है, फिर ये ओसीडी सेक्स के बारे में आ जाता है। तो इसका इलाज भी बाकी ओसीडी जैसे ही है, और ये लोग आते तो उनका इलाज मेडिसिन है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, उसके साथ साथ फिर सेल्फ हिप्नोसिस है, उसके साथ साथ थॉट स्टॉप टेक्निक, फिर थॉट वॉच टेक्निक है, आरईबीटी है, ऐसे अलग अलग उसको, और बिहेवियर थेरेपी है, वो देके धीरे धीरे इनमें फ़ायदा होता है। जितना आप लेट करोगे उतना ज़्यादा तकलीफ वाला कार्यक्रम है ये, लोग साल साल दो दो साल पाँच पाँच साल आते नहीं हमारे तरफ, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक ऐसा बोलते रहते, आजू बाजू वाले लोग बोलते कि तू विचार मत करते जा, कितना विचार करता है, विचार करना छोड़ दे ऐसा बोलते रहता है, और वो डॉक्टर की तरफ आते नहीं है और इलाज करते नहीं है। तो ऐसा थोड़ा भी ऐसा कुछ आपको लगता है किसी में, तो
आपने तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर करो, बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, तो ये लोग डॉक्टर का सलाह लेंगे और अपना अपना इलाज करके सुखी जीवन जी पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। आपको जो भी वीडियो चाहिए उसके बारे में आप नीचे कॉमेंट में लिखते हैं ना, तो वो प्रकार की वीडियो, वो टॉपिक की वीडियो मैं बनाते जाऊँगा। फिर से एक बार धन्यवाद।